नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत में एक तस्वीर की आज बहुत चर्चा हो रही है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हुई मुलाकात की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल गुरुवार शाम की है, जब जेपी नड्डा से मिलने शिवराज सिंह चौहान उनके घर गए थे। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी दरअसल ये है कि इंदौर के सांसद शंकर ललवानी के बेटे का जो रिसेप्शन दिल्ली में रखा गया था, उसमें शरीक होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली मौजूद में थे। लेकिन जब यहाँ से वो भोपाल आने के लिए निकले तो ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम बदल गया। पहले कार्यक्रम था शिवराज सिंह चौहान का गुरुवार रात ही भोपाल वापसी का, लेकिन रिसेप्शन के बाद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उनके घर चले गए। यहां करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच अकेले में मुलाकात हुई है। कई तरीके की अटकलें अब इस मुलाकात को लेकर लगाई जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा की, दरअसल ये जेपी नड्डा के घर की ही है। लेकिन जो मुलाकात हुई है उसमें बात ये निकल के सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की पुष्टि या कहे कि इस बात को लेकर के अटकलों का बाजार इसलिए भी ज्यादा गर्म है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा के बीच ये मुलाकात केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने अपने ही चिर परिचित अंदाज में शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। कुछ दिन पहले ही रामदास अठावले भोपाल में मौजूद थे और जब पत्रकारों ने उनसे शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, इससे उनके दुश्मनों को लगेगा धक्का। इसे जोड़ करके देखा जा रहा है जेपी नड्डा के साथ इस मुलाकात के लिए। जेपी नड्डा के साथ ये जो शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है, ये दिल्ली में करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ही हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत की भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए वो तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। जनवरी महीने में कुल 3 बार शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा किया है। और जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से जब हटे थे और उसके बाद जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहली मुलाकात की थी तो उन्होंने बाहर आकर यही बयान दिया था कि संगठन ने उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। अब देखना यह है कि जेपी नड्डा के साथ शिवराज सिंह चौहान की ये मुलाकात क्या वाकई में सिर्फ उन्हें दक्षिण भारत के राज्यों में जो जिम्मेदारी दी गई है उसे लेकर के थी, क्या उसका फीडबैक उन्होंने कोई जेपी नड्डा को दिया है, या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ सोच रखा है, ये भी गौर करने वाली बात है।